रुपए के कमजोर होने और भारतीय बैंकों की दुर्दशा का नतीजा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपनी पूंजी वापस निकाल रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में लगे पैसे वापस ले लिए गए। म्यूचुअल फंड्स की बिक्री में भी एक महीने में लगभग 20% की गिरावट आई है। विदेशी निवेशकों की भारतीय बॉन्ड में रुचि घटती जा रही है। इसके दो मुख्य कारण रुपए का कमजोर होना और पंजाब नेशनल बैंक में हुआ सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। विदेशी बाजार में भारतीय बॉन्ड की मांग दिसंबर 2016 के बाद अब सबसे ज्यादा गिरावट पर है। सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड की बिक्री में 9 फरवरी के बाद से अब तक 15,000 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसका साफ मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र से विदेशी निवेशकों का भरोसा उठ रहा है। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। गिरावट सिर्फ बॉन्ड्स में ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स की बिक्री में भी आई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के मुताबिक जनवरी में कुल 20,55,349 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे गए, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 19.4% घटकर 16,56,763 करोड़ रुपए तक आ गया। NSDL के मुताबिक वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018 में विदेशी इक्विटी निवेश आधे से भी कम हो गया। ये पहले 55,703 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 20,938 करोड़ रुपए हो गया। FDI के रूप में भारत आने वाले विदेशी निवेश के कम होने को बढ़ते विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के पीछे छुपाया जा रहा था, पर अब पोर्टफोलियो निवेश के भी कम होने का गहरा असर भारत आने वाले कुल विदेशी निवेश पर पड़ सकता है। सम्राट शर्मा, को न्यूज़।